पूरे मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी द्वारा आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर जन आक्रोश यात्रा निकाली जा रही है। यह यात्रा शुक्रवार के दिन बागली विधानसभा में पहुंची, जहां पर काफिले के साथ बागली मुख्यालय पर गांधी चौक पर आम सभा का आयोजन किया गया, जहां पर कांग्रेस के दिग्गज कांतिलाल भूरिया, संजय दत्त, दीपक जोशी ने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कई सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। इसी दौरान मीडिया से चर्चा करते हुए कांतिलाल भूरिया ने कहा कि मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार चरम पर है, शिवराज सरकार की तानाशाही से आम जनता त्रस्त है, हर कार्यालय में भ्रष्टाचार है, कमीशन खोरी पर सरकार चल रही है, जनता अब मन बना चुकी है, मध्य प्रदेश में बदलाव होगा और कांग्रेस की सरकार बनेगी। सब जगह पर जन आक्रोश यात्रा को भरपूर समर्थन आम जनता का मिल रहा है। इस दौरान क्षेत्र के कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा यात्रा का स्वागत किया गया। बागली से रवि पाटीदार की रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मध्य प्रदेश में जबरदस्त जन आक्रोश है, इसलिए जगह जगह लोगों में आक्रोश दिख रहा है, जगह जगह लोगों भारतीय जनता पार्टी ने 18 साल से लूटा है। कांग्रेस पार्टी जो खेती वो करती है, वो करती आई है, भारतीय जनता पार्टी ने कुछ नहीं किया 18 साल में, बस उनका एक ही नारा रहा, राम नाम जपना प्रायमान अपना, भाजपा का एक ही नारा रहा, इसलिए आज मध्य प्रदेश को खोखला कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने। कांग्रेस पार्टी की जब सरकार थी, ये हमारी जो जन आक्रोश रैली खरगोन से शुरू की थी, करते करते आपके यहाँ आए हैं बागली में, और भारतीय जनता पार्टी ने 18 साल में भ्रष्टाचार जबरदस्त किया, गरीबों की सारा नाम से शोषण किया, और माताओं बहनों के नाम से था वो भी सारी, मतलब शोषण की भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई, किसानों के नाम से जो किया वो भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। तो ये लोग लोगों में जबरदस्त जन आक्रोश है, इसीलिए हमने जन आक्रोश रैली, लोगों की भावना को देखते हुए जन आक्रोश रैली निकाल के आपके यहाँ पे आया है, और आज भी देख रहे कितने जगह जगह लोग काफ़ी, तो जन आक्रोश इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने 18 साल में भ्रष्टाचार किया, उन्होंने कोई काम नहीं किया। अगर किसान परेशान, मजदूर परेशान, नौजवान परेशान, महिलाएं परेशान, आम आदमी के हक छीना, तो इसलिए जन आक्रोश लेके हम आए हैं। तो भाजपा को अब मध्य प्रदेश जनता जवाब देगी और उनको सफाया करने का तय कर लिया है मध्य प्रदेश में, और आज हम लोग जब हमारी सरकार आएगी तो हमने जनता की भावना को देखते हुए हमने 11 सूत्र बनाए हैं। ये 11 सूत्र किसानों के, महिलाओं के, नौजवानों के पक्ष में, ये क्रम से 1 से 11 तक। तो चाहे हमारा जमीन कर्जा माफ़ करना हो, हम कर्जा माफ़ करेंगे, भाजपा 18 साल में 1 रुपया माफ़ नहीं किया। हमारे नौजवानों को सम्मानजनक स्थान देने की बात करेंगे। बिजली का बिल, बिजली के मारे लोग परेशान, बिजली आ नहीं रही है, पर 5-5, 10-10 हज़ार रुपये का बिल आ रहा है, किसान परेशान है, वसूली वाले जा के उनकी मोटरसाइकिल ने, गाड़ी ने, मशीन उठा उठा के ले जा रहे हैं। तो ये इतना ज़बरदस्त उन्होंने आतंक मचा रखा है, तो इस बात को लेकर लोगों में आक्रोश है, इसलिए हम जन आक्रोश लेके आपके बीच में आए हैं, और हमारी सरकार आएगी तो हम तत्काल उनको सुविधा देंगे। उनके साथ जो अत्याचार बीजेपी कर रही है उपभोक्ताओं के साथ, उनके लिए भी हम न्याय प्रदान करेंगे, ये हमारी भावना है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।